अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात इतकं घाबरट आणि लोकशाही विरोधी सरकार यापूर्वी कधीही बघितलेलं नाही। आपल्या विचारांचा विरोध करणारे व्यक्ती असतील, पत्रकार असतील, मीडियाकर्मी असतील, सर्वांचं दमन करण्याचं काम, सर्वांना दाबण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून अवैधपणे होत आहे। ज्या प्रकारे एखाद्या वक्तव्याने महाराष्ट्राचा अवमान होतो किंवा मुंबई पोलिसांचा अवमान होतो त्या वक्तव्याचं समर्थन करता येत नाही, पण सरकारच्या अशा कृतीचंही समर्थन करता येत नाही। सरकारच्या अशा कृतीमुळे उभ्या देशामध्ये महाराष्ट्राची बदनामी होते आहे। काल परवापर्यंत जे बांधकाम त्याच ठिकाणी होतं पण कारवाई केली जात नव्हती, अचानक कोणीतरी बोलल्यामुळे ते बांधकाम अवैध आहे म्हणून कारवाई केली जाते, मग मुंबईतल्या इतर अवैध बांधकामावर सरकार कारवाई का करत नाही? त्यामुळे केवळ बदल्याच्या भावनेनं केलेली कारवाई ही खऱ्या अर्थानं या महाराष्ट्राला शोभणारी नाही, राज्यकर्त्यांना शोभणारी नाही। महाराष्ट्रामध्ये एक प्रकारे सरकार पुरस्कृत दहशत चालली आहे। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी, आज मैंने महसूस किया है। और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
Thank you.